शीतलपुर गांव के लोग बोल रहे थे, फोन करके हमसे बात किए कि वो 15 साल से रेस्क्यू कर रहे थे। अरे शीतलपुर में जितने भी शीतलपुर के गांव में जितने लोग हैं ना वहां के सारे मूर्ख लोग हैं। अरे वो तो 15 साल से मैंने उनका जांच पड़ताल किया, उनका वीडियो देखा, वो तो 15 साल से अपने मौत को दावत दे रहे थे, 15 साल से। फिर से स्वागत है हमारे स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और हम जो है कि आज फिर एक जो है कि विशेष वीडियो लेकर आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि जब हम वीडियो डाले थे शीतलपुर के मनमोहन जी जो सांप के बाइट करने से जो कि उनका मौत हो गया, जिसको हम लोग उनके भगवान की आत्मा को शांति दे, वो वीडियो डाले थे, तो शीतलपुर के गांव के लोग जो है कि हमें कॉल किए, हमें पूछे, बोले कि आप जो वीडियो डाले हैं वो बहुत अच्छे इंसान थे। हम दुनिया में कोई ख़राब इंसान नहीं होता, मनमोहन जी भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उनके गाँव के जितने भी थे ना, जितने भी गाँव के लोग हैं वो लोग मूर्ख हैं। वो 15 साल से रेस्क्यू कर रहे हैं ये लोग मुझे बता रहे हैं, तो उनमें से 15 साल से गांव में से कोई ऐसा लोग नहीं था जो उनको बता सकता था कि सांप को जो तुम जान बचा रहे हो तो किस तरीके से जान बचाया जाता है, जूता पहना जाता है और सांप के साथ जो है कि खेलना नहीं पड़ता है, सांप एक जहरीला सांप होता है। आप जो वीडियो हम आपके सामने में आप वीडियो देख रहे होंगे, देखिए रिलीज करने के समय में वो बंदा 5 सांप को जो है लेकर रिलीज कर रहा है और झोड़ा में से जो कैरी बैग है उसमें से सांप किस तरह से निकाल रहा है ये आप हमें बताइए ईमानदारी से, जो भी हमारे व्यूअर है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, और शीतलपुर के गाँव के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जिस तरह से सांप को कैरी बैग से निकाल रहे हैं ये उचित है? आप हमें बताएं, कहीं से उचित नहीं है। ये गांव के लोग जो भी इनको सांप पकड़ने के लिए बुलाते थे वो सारे लोग जिम्मेवार हैं इनके मौत का। ये जब गांव में जब सांप पकड़ने जाते थे, कोई लोग इनको कॉल करता था, उनको समझाना चाहिए था कि आप सांप पकड़ने आ रहे हो, मौत पकड़ने आ रहे हो, मौत है, वो महाकाल के रूप में वो आता है। जिंदा भूत जो नहीं देखा है ना, तो वो सांप को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, जिसका परिणाम आज जो है कि शीतलपुर के गांव के मनमोहन जी के पूरा परिवार भुगत रहा है, और उनका पूरा परिवार जो भुगत रहा है इसकी सारी जवाबदेही उसके गाँव का, गाँव के लोग को समझाना चाहिए था। इस तरह से बताइए, इस तरह से कितना क्या कहते हैं उसको, ये केयरलेस इंसान की तरह जो है ना किसी सांप के साथ खेल रहे हैं। सांप के साथ खेलना नहीं चाहिए, सांप जिंदा मौत है, मौत अगर कोई नहीं देखे हैं तो सांप को देख लीजिए। इसलिए मैं शीतलपुर के गाँव वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी को सांप पकड़ने के लिए बुलाएं ना, तो उनका पैर में जूता है या नहीं है देख ले, स्टिक हाथ में है या नहीं है वो देख लीजिए, कि फ्री हैंडलिंग करने आ रहा है तो फ्री हैंडलिंग करने आ रहा है, आपके हाथ में पकड़ के चला जाएगा फ्री हैंडलिंग करने के लिए, ठीक से पकड़ लिया तो ताली बजा दिए, और वही फ्री हैंडलिंग कर रहा है तो उसके बाद उसको बाइट कर लिया, मर जाएगा, तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसके परिवार को देखने वाला कौन रहेगा? हमारे हौसले मुरली भाई जो है यूपी से आज चलकर आए, उनको मैं तहे दिल से ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने उनके घर में जाकर सांत्वना प्रदान की है और 51,000 रुपया जो है कि उनको दिए, बहुत अच्छा है। हम यहाँ से दिल से बिहार से हम स्नैक रेस्क्यू के तरफ से हम मुरली भाई को हौसला को दिल से ग्रैंड सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जाकर जो है कि सांत्वना दिया। लेकिन जिस तरह से मनमोहन 15 साल से रेस्क्यू कर रहे थे, वो रेस्क्यू नहीं कर रहे थे, वो 15 साल से अपने मौत को दावत दे रहे थे, जो रक्षाबंधन के दिन उनको उपहार स्वरूप में मिला है, ये उनको उपहार मिला है, ये एकदम ये उपहार कहने का कोई मतलब, कहेंगे कि कैसे बात बोल रहे हैं, तो 15 साल से जिस तरह से वो रेस्क्यू कर रहे हैं और ये कैरी बैग से जिस तरह से हाथ से सांप को निकाल रहे हैं और 5 सांप को हाथ में रखे हुए हैं, एक सांप को आप देखेंगे कि गर्दन के पास से पकड़ रहे हैं, ये कौन तरीका है, गर्दन के पास से पकड़िए, कहीं से भी बाइट कर लेगा, तो उस समय ही बाइट कर लेता, लेकिन उस समय बाइट नहीं किया, वो संजोग था, वो कोई ईश्वर का देन नहीं था, ये केवल संजोग था और हमारे भारत में चाहे कहीं भी जितने भी स्नैक रेस्क्यूअर हैं उनके लिए एक सीख है कि इस तरह से जो है कि सांपों के साथ जो है कि कभी भी नहीं खेला जाता है। और ख़ास करके हम तो बहुत सीखे हैं मनमोहन जी से, मनमोहन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे कि वो बहुत बड़ी सीख हम लोग को, जितने भी स्नैक रेस्क्यूअर हैं उनको एक सीख देकर गए हैं कि सांप के पास जो है कि बार बार बोलते हैं कि सांप के पास जो है कि माइंड नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, इसलिए सांप को हम पालतू नहीं बना सकते। चलिए ठीक है, ये सच्चाई आपके पास रखना हमें ज़रूरी था। चलिए वीडियो मेरा अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।